भी स्वागत है। मैं आप लोग को लॉकडाउन में बबूल का यानी हसाई का अचार बनाने का तरीका बताऊंगा। जी यह हसाई यानी कि बबूल से आप लोग को का फायदा क्या है, तो केहूनी में दर्द, पेट में दर्द, जो भी शरीर में दिक्कत है उसका यह दर्द मिटाता है। मैं आप लोग को अचार बनाने का तरीका बताता हूँ। ये देखिए पहले क्या करना है, जो बबूल का फर है इकट्ठा है मेरे पास, देखिए ढेर सारा बबूल है, इसको क्या करना है, एक थाली रखना है और इसको जितना हो सके इस तरह प्रकार के, देखिए मैं तोड़ रहा हूँ हाथ को देखिए, और इसको मैं रखना है, ये जरूर, ये देखिए इस प्रकार से मैं तोड़ रहा हूँ। आपका मन इससे दो प्रकार से तोड़िए या तीन प्रकार से तोड़िए, आप किसी इतना बड़ा चाहे इतना बड़ा आप तोड़ सकते हैं, आपकी ऊपर है, ये जितने आप इसको तोड़िए तोड़ते जाइए और इसको भर दीजिए, ये भर जाएगा। और देखिए मेरा बबूल तैयार हो गया। और इसको क्या करना है आप लोग ध्यान सुनिए, इसको जो है इसको गर्म पानी में उबालना है, उबालते समय थोड़ी सी नमक डालना है, देखिए नमक डालना है और थोड़ी सी हल्दी डालना है, इसको उबला जाएगा। ध्यान सुन रहे आप लोग क्या करना है, मैं बताया क्या बताया मैंने, यही बताया कि पहले इसको गर्म पानी में उबलना है और थोड़ी सी नमक डालना है और थोड़ी सी हल्दी डालना है। जब ये 15 या 30 मिनट उबल जाती है, जब ये मसाला लगेगा इस तरह का, तो इसको उतार कर दो या तीन घंटा आप लोग ध्यान सुनिए, ज्यादा नहीं, दो घंटे या तीन घंटे से धूप में रखें और इसके बाद धूप से नीचे ले आए और इस कढ़ाई में थोड़ी सी तेल डालना है। सबसे पहले देखिए मेरे पास सरसों का तेल है, इसको कम से कम थोड़ी सी कढ़ाई में डालना है, उसके बाद देखिए मैं बता रहा हूँ आप लोग डालते जाइएगा। ये देखिए आप लोग दिखाई दे रहा है तोरी है जिसको सरसों बोला जाता है, और ये देखिए इसको धनिया बोला, इसको जीरा बोला जाता है, इसको डालिए। और जितने भी तरह के मसाला अचार में डाला जाता है उसको डालिए, और ये जो बबूल है इसको कढ़ाई में डालिए। इस तरह का मेरा बबूल का अचार तैयार हो गया। अब जब तक ये गर्म रहेगा इसको चलाते रहिए, इस प्रकार चलाते रहिए, जितना आप चलाइएगा उतना ये सब लोग गीली तरह हो जाएगा, और जब गीली तरह हो जाएगा तो आप ये अचार जो तैयार हो जाएगा, इसको आप चलाते रहिए। और ये जब अचार तैयार हो गया तो मेरे पास चिखने के लिए दे रहा हूँ, ये देखिए दे रहा हूँ चिखने के लिए, ये चीख, देखिए पहले तो अचार तैयार हो गया, आपको किस तरह मालूम चले कि अचार तैयार हो गया, तो देखिए ये जो बबूल है इसको आप इस तरह से औंगली से दबाइएगा तो ये मैसा आ जाएगा, देखिए किस तरह मैसा आ गया, अरे देखिए आप लोग किस तरह मैसा आ गया, ये जाके अचार तैयार हो गया। तो मैं चिखा रहा हूँ इसको, इसको टेस्ट करा रहा हूँ कि अचार किस तरह का लग रहा है, जी हाँ ये बहुत ही अच्छा कड़वा लग रहा है। कड़वा इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी तो ये तैयार हुआ है, जो भी अभी चाहे जो भी किसी भी अचार हो, किसी का भी अचार हो, वे जब तैयार होता है तो कड़वा लगेगा ही, कुछ भी अचार हो, कुछ ही का भी अचार हो वो कड़वा लगेगा। इसको जब ये किस कब कड़वा लगेगा, इस गुआम में इसको रखिए, आप लोग रख को भर दीजिए और इसमें तेल कम से कम, तेल में कंजूसी नहीं करना है, तो जी मैं बता रहा हूँ तेल में कंजूसी नहीं करना है। इस अचार को दावा में रख दे और ये जो सरसों के तेल है इसमें 100 ग्राम डाल दे और इसको ढक्कन से बंद करके अच्छे से रख दे। जब ये हो गया अचार तैयार, तो थैंक यू दोस्तों, मेरा अचार तैयार हुआ। लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।